सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से, और आज हम बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन के अंतर्गत पढ़ेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में जाना। बेसिकली एक बेसिक कंप्यूटर में तीन तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। पहला मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, दूसरा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और तीसरा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो आइए अब जानते हैं कि कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को ये कैसे पता लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। आइए ये सब जानने से पहले हम फिर से इंस्ट्रक्शन कोड के बारे में जानते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड 16 बिट का होता है, जिसमें हमने ये एग्जांपल में मेमोरी का साइज 4096 लिया था, यानी कि हमें कम से कम 12 बिट्स चाहिए इसकी हर मेमोरी लोकेशन को यूनिकली एड्रेस करने के लिए। इसलिए हमने अपने इंस्ट्रक्शन में 12 बिट एड्रेस बिट की लिए रिजर्व की थी, 3 बिट के ऑपरेशन कोड और 1 बिट जो 15 बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यह है मोड सिलेक्शन बिट। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जब ये डिकोडिंग होता है कोई इंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट इस ऑपरेशन कोड की 3 बिट्स को चेक करता है। इन बिट की वैल्यूज पे से ही डिसाइड होता है कि बाकी ये जो 0 टू 11 और ये 15 बिट है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ये 12 बिट जो है ये ऑपरेंड का, यानी जो डेटा मेमोरी में स्टोर्ड है उसका एड्रेस डिनोट करते हैं। ये 12 बिट मेमोरी में ऑपरेंड का एड्रेस को डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बिट नंबर 15। बिट नंबर 15 अगर 0 है तो ये है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस। और अगर ये बिट नंबर 15-1 है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस होता है। हम डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस और इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के बारे में पिछली स्लाइड्स में जान चुके हैं। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस में ये जो एड्रेस है मेमोरी की उस लोकेशन का एड्रेस है जहां पर ऑपरेंड स्टोर्ड है, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये मेमोरी की उस लोकेशन का एड्रेस है जहां पर वो एड्रेस स्टोर्ड है जिस लोकेशन पर मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है। यानी कि इस केस में 2 मेमोरी एक्सेस चाहिए होती है। इसके बाद बात करते हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कैसे पता लगता है कंट्रोल यूनिट को कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ये बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 को चेक करता है। अगर ये तीनों बिट 111 है, अगर ये तीनों बिट 111 है तो इसका मतलब ये तो आइए अब जानते हैं कंट्रोल यूनिट को यह कैसे पता लगता है कि यह रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 को चेक करती है। अगर ये तीनों बिट 111 है तो फिर ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो बिट नंबर 15 को चेक करता है। बिट नंबर 15 जो नॉर्मली मोड सिलेक्शन बिट है, अगर ये तीनों बिट 111 है तो ये मोड सिलेक्शन बिट ना होके ये डिसाइड करती है कि ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 तीनों 1 है और बिट नंबर 15 0 है तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। और अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों 111 है और बिट नंबर 15 भी 1 है तो ये
एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेस पार्ट मेमोरी का एड्रेस को डिनोट करता है जहां पर ऑपरेंड स्टोर्ड है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में चूंकि मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं है क्योंकि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशन होना है वो रजिस्टर में स्टोर डेटा में होना है, ना कि मेमोरी में स्टोर डेटा पे। उसी प्रकार इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में भी मेमोरी एक्सेस की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इनपुट जो ऑपरेशन होना है डेटा पे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस से वो डेटा फीड होना है या आउटपुट डिवाइस को वो डेटा आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले होना है। अर्थात रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ये जो 12 बिट हैं ये मेमोरी का एड्रेस नहीं दिखाती हैं, बल्कि इस केस में रजिस्टर रेफरेंस रजिस्टर ऑपरेशन के केस में इसके कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं कि रजिस्टर, इससे तो ये पता लगता है कि ये रजिस्टर रेफरेंस ऑपरेशन है, लेकिन रजिस्टर रेफरेंस ऑपरेशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो कौन सा वाला रजिस्टर रेफरेंस ऑपरेशन करना है ये इस इन 12 बिट के कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं। और रजिस्टर रेफरेंस कौन कैसे हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के, उसके डेटा को कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो अगेन आप इसमें देख पा रहे हैं कि हमें मेमोरी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक्यूमुलेटर के डेटा को जो कि एक रजिस्टर है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, तो मेमोरी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में भी ये 12 बिट जो होती हैं ये बताती हैं कि किस प्रकार का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आइए फिर से देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट को कैसे पता लगता है कि ये किस तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 को चेक करती है। अगर ये तीनों बिट 111 नहीं है तो ये बात कंफर्म है कि ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद वो बिट नंबर 15 को चेक करती है। अगर ये बिट नंबर 15 जीरो है तो ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है, और ये बिट नंबर 15 वन है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है। इसी प्रकार अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 ये तीनों वन है तो उसके बाद बिट नंबर 15 चेक की जाती है। अगर ये बिट नंबर 15 जीरो है, यानी कि बिट नंबर 11, बिट नंबर 12, बिट नंबर सॉरी यानी कि बिट नंबर 12, बिट नंबर 13 और बिट नंबर 14 तीनों वन है और बिट नंबर 15 जीरो है तो ये रजिस्टर ऑपरेशन है, और अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 तीनों वन है और बिट नंबर 15 भी वन है तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो इस प्रकार ये चार बिट ये डिसाइड करती हैं कि किस तरह का ऑपरेशन है। इन चार बिट को यूज करके ही हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, किस तरह का वो इंस्ट्रक्शन है। तो 4 बिट के कॉम्बिनेशन से नॉर्मली 16 इंस्ट्रक्शंस को आप यूनिकली एड्रेस कर सकते हो, लेकिन इस बेसिक कंप्यूटर के एग्जांपल में ये 25 यूनिक इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ये जो 12 बिट्स हैं ये भी कुछ यूनिक इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करती हैं इनके अलावा, तो यहां पर टोटल कॉम्बिनेशन 25 बन जाते हैं। इस टेबल को गौर से देखने से पता लगता है कि ये 25 यूनिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इस बेसिक कंप्यूटर में के इंस्ट्रक्शन सेट में हैं। अब जैसे कि हमने कहा इस टेबल में ये सारे जो 12 बिट ये नंबर है यहां पर, ये 16 बिट नंबर सॉरी, ये हमने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया है। तो हेक्स यहाँ पे इस टेबल में हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया है हर नंबर को, तो यानी कि यहाँ पे जो 16 डिजिट है हेक्साडेसिमल की एक बिट चार
बाइनरी डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनती है, यानी कि इस 16 डिजिट, जो बाइनरी 16 डिजिट हैं, ये हेक्साडेसिमल की 4 डिजिट बनेंगी। तो यानी कि ये हेक्साडेसिमल की पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट और ये चौथी डिजिट, ठीक है। आइए इस इंस्ट्रक्शन कोड को हम इस कन्वर्जन टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये डेसिमल नंबर्स हैं, ये बाइनरी नंबर्स हैं और ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। तो हम अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हेक्साडेसिमल में बाइनरी के 4 डिजिट, हेक्साडेसिमल के एक एक डिजिट होते हैं। तो हमने क्या कहा, बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 अगर 111 है तो ये बिट नंबर 15 को चेक करता है। बिट नंबर 15 अगर 0 है तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब हेक्साडेसिमल 7 से शुरू होने वाले सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, राइट। उसी प्रकार अगर बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 111 ऑल वन नहीं है तो फिर बिट नंबर 15 चेक करते हैं। बिट नंबर 15 अगर 0 है तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है, और उसके अलावा बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 अगर 111 नहीं है तो फिर हम फिर क्या करते हैं, बिट नंबर 15 चेक करते हैं, और अगर बिट नंबर 15 1 है तो ये इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है। तो यानी कि हेक्साडेसिमल डिजिट 0 से 6 तक शुरू होने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है, और बिट नंबर 8 से लेकर 15 तक जितने भी शुरू होने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसेस हैं। तो इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस कहां से शुरू होते हैं, 8 से लेकर F तक, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वापस इस टेबल में आ जाते हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हेक्साडेसिमल की, ये 0 से 6 तक के हेक्साडेसिमल डिजिट वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के इंस्ट्रक्शंस हैं, और बिट नंबर 8 से लेकर ई तक जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है। और फिर आप देख रहे हैं बिट नंबर 12, बिट नंबर 13, बिट नंबर 14 अगर तीनों 1 है और बिट नंबर 15 भी अगर 1 है तो ये क्या है, ये है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। यानी कि फिर टेबल पे आते हैं, एफ से शुरू होने वाले सारे इंस्ट्रक्शन आप यहां देख पा रहे हैं, 16, एफ इज इक्वल टू 16, ये एफ से शुरू होने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। तो इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बारे में जाना, अगले लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस की बात करेंगे। धन्यवाद।